हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास फर्स्ट का लेसन नंबर 6, जो कि एक पोएम है ट्रैफिक लाइट्स। इस पोएम में आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, इन ट्रैफिक लाइट्स का क्या मतलब है, इस लेसन में आपको बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ट्रैफिक लाइट तीन टाइप की होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट दीज लाइट्स टेल अस। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो ये तीन कलर की जो लाइट है हमें क्या क्या सिग्नल देती हैं, इनका क्या मतलब है, ये हमें क्या बताती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का आपने हमेशा ही ट्रैफिक लाइट सिग्नल आपने देखे होंगे। जब भी आप बाहर जाते हो तो इस टाइप के आपको हर चौराहे पर आपको इस टाइप के सिग्नल दिख जाते हैं। और इनमें लगी ये लाइट्स जो होती हैं, रेड येलो ग्रीन, हमें क्या इंडिकेट करती हैं, क्या सिग्नल देती हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। रेड लाइट व्हाट डू यू सी। रेड लाइट तुम क्या कहती हो। ये देखो बच्ची है छोटी, और ये बच्ची इस रेड लाइट से बात कर रही है। ये दोनों बात कर रहे हैं, लाइट भी, ट्रैफिक लाइट्स भी, और ये बच्ची भी, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि रेड लाइट व्हाट डू यू से, कि रेड लाइट तुम क्या कहती हो। अब देखो रेड लाइट जो है रिप्लाई कर रही है। देखो इसका रेड लाइट का आपको मुंह भी दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे माउस भी दिख रहा होगा आपको। आई सी स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे। अब ये लाइट क्या कह रही है कि मैं कहती हूँ कि स्टॉप, रुक जाओ, बिल्कुल अभी तुरंत रुक जाओ, बिना देरी किए रुक जाओ। येलो लाइट व्हाट डू यू मीन। अब यहाँ फिर ये सेकंड नंबर पे किससे पूछती है, येलो लाइट तुम क्या कहती हो, तुम्हारा क्या मतलब है। आई मीन वेट टिल द लाइट इज ग्रीन। अब येलो लाइट आंसर देती है कि मेरा मतलब है कि वेट करो जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती। यहाँ पे जो है रेड लाइट आपको सिग्नल देती है कि तुरंत रुक जाओ, और येलो लाइट क्या कहती है कि अब आपको वेट करना चाहिए यहाँ पर जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से। अब फिर ये बच्ची फिर पूछती है कि ग्रीन लाइट तुम क्या कहती हो। आई से गो एंड गो राइट अवे। ग्रीन लाइट कहती है, मैं कहती हूँ कि बिना देरी किए, राइट अवे मतलब होता है तुरंत ही, अभी के अभी, बिना देरी किए यहाँ से चले जाओ। तो आपको आई होप ये सिग्नल समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये सिग्नल जो होते हैं आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि किस सिग्नल का क्या मीनिंग है। रेड सिग्नल कहता है कि रुक जाओ, येलो सिग्नल क्या कहता है कि अभी वेट करो, आपको जाना नहीं है, वेट करना है। और ग्रीन लाइट होते ही आपको क्या कहता है, क्या इंडिकेट करता है कि अब आपको रुकना नहीं है, चलना चाहिए। आई होप आपको ये सिग्नल अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस लाइट का क्या मीनिंग है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग, जो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं आपको। ट्रैफिक मीन्स क्या होता है, रोड बिजी बाय मैनी व्हीकल्स। ऐसा रोड जहाँ पर बहुत सारे व्हीकल हो, मतलब काफी व्हीकल रहते हो, इट मीन्स यातायात। स्टॉप हाल्ट, इट मीन्स रुकना। राइट अवे विदाउट डिले, तुरंत बिना देरी किए। ये इसके कुछ वर्ड मीनिंग थे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में देखिए पार्ट ए, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वेरी इजी है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको जो पोएम है ट्रैफिक लाइट लर्न होनी चाहिए। देखिए रेड डैश व्हाट डू यू से, मींस क्या है, रेड लाइट व्हाट डू यू से। येलो लाइट व्हाट डू यू मीन। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से। ओके, इस तरह से सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रेड लाइट से, रेड लाइट क्या कहती है।
पता है ना आपको क्या कहती है, जैसे ही रेड लाइट होती है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत ही रुक जाना चाहिए। तो आंसर देखिए क्या होगा, रेड लाइट सेज टू स्टॉप, क्या करने को कहती है, स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए। नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द येलो लाइट से, और येलो लाइट क्या कहती है, द येलो लाइट सेज टू वेट, क्या करने को कहती है, वो वेट करने को कहती है, कब तक, जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। व्हाट डज द ग्रीन लाइट से, अब देखिए ग्रीन लाइट क्या कहती है, द ग्रीन लाइट सेज टू गो, क्या कहती है, जाने के लिए, कि अब आप जा सकते हो। नंबर फोर देखिए क्वेश्चन, विच लाइट इज एट द टॉप ऑफ टॉप ऑन द पोल। अब ये देखिए ट्रैफिक पोल दिया गया है आपको, ट्रैफिक लाइट पोल, इसमें क्या पूछ रहे हैं कि जो पोल है इस पोल के टॉप में कौन सी लाइट है, कौन सी लाइट दिखाई दे रही है आपको, रेड। तो आंसर क्या होगा, रेड लाइट इज एट द टॉप ऑफ द पोल, पोल के सबसे ऊपर कौन सी लाइट है, रेड लाइट। विच लाइट इज इन द मिडल, और बीच में कौन सी लाइट होती है, मिडल मींस होता है बीच में, बीच में कौन सी लाइट है, देखो कौन सी लाइट आपको दिख रही है बीच में, येलो लाइट, येलो लाइट इज इन द मिडल, मिडल में येलो लाइट है, और सबसे नीचे कौन सी लाइट है, देखिए ग्रीन। तो इस तरह से ये ट्रैफिक रूल आपको लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको क्या दिया गया है, पास्ट सिंपल टेंस बताना है आपको। स्टूडेंट्स, वर्ब जो होती है, कोई भी काम करने को, किस कोई भी आप जब एक्शन करते हो, कोई भी काम करते हो, वो क्या होती है, वर्ब होती है। जैसे कि लिखना, राइट, रीड, राइट, वॉक, टॉक, ये सारी क्या है, वर्ब है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो वर्ब होती है। और वर्ब में देखिए कितने टाइप्स होती है, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। बेस फॉर्म तो वो होगी जो आप काम कर रहे हो, जैसे कि आप क्या काम कर रहे हो, रीड पढ़ रहे हो, राइट लिख रहे हो, स्पीक बोल रहे हो, तो ये होगी बेस फॉर्म। अब आगे इन्हीं फॉर्म को जो है सेकंड फॉर्म में चेंज करना, थर्ड फॉर्म में चेंज करना, ये जो होती हैं वर्ब होती हैं। कोई भी हम टेंस करते हैं, तो कोई भी हम बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं अब हम पास्ट सिंपल टेंस, इसमें आपको क्या करना है, जो भी बात बीत जाती है तो वो हम पास्ट टाइम में बताते हैं, जो कल की बात बीती हुई बात को हम पास्ट फॉर्म में बताते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये पास्ट फॉर्म जो होती है किस तरह से बनती है, बेस फॉर्म से आप पास्ट फॉर्म कैसे बनाओगे वो हम सीखते हैं। मैनी वर्ब्स हैव ईडी एट द एंड, बहुत सी वर्ब में क्या करते हैं, लास्ट में ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म बना देते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म का यूज देखिए कहाँ होता है, पास्ट की बात बताने के लिए आप हमेशा ही पास्ट फॉर्म का ही यूज करोगे। देखिए ये कौन सा है, आस्क, ये क्या है, बेस फॉर्म है आस्क, और जो है पास्ट फॉर्म आस्क से क्या बनेगी, आस्क्ड, बाथ, बाथ्ड, पुश, पुश्ड, फिट, फिटेड, मूव, मूव्ड, इस तरह से पास्ट फॉर्म हम क्या करेंगे, बेस फॉर्म से पास्ट फॉर्म बनाते हैं। बेस फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं, और पास्ट फॉर्म का यूज हम पास्ट की सेंटेंसेस में करते हैं, जो बात बीत जाती है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म लर्न होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, मैनी वर्ब्स हैव डिफरेंट पास्ट फॉर्म। अब कुछ जो फॉर्म होती हैं वो अलग अलग होती हैं। यहाँ तो देखिए आस्क और ईडी लगाया, आस्क बन गया, लेकिन कुछ जो फॉर्म होती है वो थोड़ा अलग होती है, ईडी लगाने से नहीं बनती। जैसे कि ड्रिंक, ड्रिंक ये जो बेस फॉर्म है, और इसका जो पास्ट फॉर्म क्या बनेगी, ड्रैंक, फ्लाई, फ्ल्यू, ब्लो, ब्लू, रन, रैन, ईट, एट, कम, केम, राइट, रोट, सिंग, सैंग, इस तरह से क्या है, ये पास्ट फॉर्म आप बना सकते हो। ये आपको पास्ट फॉर्म, इसकी पास्ट क्या, बेस, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये सभी फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए। अभी तो हम फिलहाल सीख रहे हैं पास्ट फॉर्म बनाना। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी, मैच द वर्ब इन कॉलम ए विद विद पास्ट फॉर्म इन द कॉलम बी। अब ये देखिए, यहाँ बेस फॉर्म दे रखी है और यहाँ पास्ट फॉर्म दे रखी है, आपको बेस फॉर्म को पास्ट फॉर्म से मैच करना है। गिव, गिव का क्या होगा, पास्ट फॉर्म क्या बनेगी, गेव, फर्स्ट को सी के साथ मैच करोगे, गिव, गेव, मीट, मेट, डू,
did, see, saw, take, took, go, went. इस तरह से जो आप बेस फॉर्म से पास्ट फॉर्म बना सकते हो. स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट डी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट्स. यहाँ आपको ब्रैकेट में बेस फॉर्म दी गई है, वर्ब दी गई है, उसमें आपको क्या करना है, उसका पास्ट फॉर्म बना के इस सेंटेंसेस में फिल करना है. पुनीत डैश टू द सॉन्ग लास्ट नाइट. लास्ट नाइट, पुनीत ने लास्ट नाइट पिछली रात को गाना सुना था. लिसन होता है सुनना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म हम क्या बनाएंगे, लिस्टन, लिसन, या हमें ईडी लगा के हम इसको सेकेंड फॉर्म बनाएंगे. पुनीत लिसन टू द सॉन्ग लास्ट नाइट. सेकेंड देखिए, वी डैश द जू लास्ट मंथ. लास्ट मंथ, अब यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट, जहाँ भी लास्ट वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म लगानी होती है, पास्ट फॉर्म लगानी होती है. विजिट होता है यात्रा करना. पिछले महीने हमने जू यानी कि चिड़ियाघर की यात्रा की थी, तो क्या होगा इसका भी, विजिटेड, ईडी लगा के हम इसको सेकेंड फॉर्म बना देंगे, विजिटेड. वी विजिटेड द जू लास्ट मंथ. अब देखिए नेक्स्ट नंबर थर्ड, द फ्रॉग डैश इनटू द पॉन्ड 10 मिनट्स अगो. मतलब पहले 10 मिनट पहले क्या हुआ था, फ्रॉग जंप कर गया था तालाब में. अब जो बेस फॉर्म यहाँ पे क्या दे रखी है, जंप, और जंप की सेकेंड फॉर्म क्या बनाएंगे, जंप्ड, ईडी लगा के इसकी सेकेंड फॉर्म कर देंगे. द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले ही. इट्स 8 o'clock, अब 8 बज गए हैं. My sister dashed to school at 7 o'clock in the morning. ब्रैकेट में दिया हुआ है go. तो go की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, went. अब देखिए क्या कह रहा है, 8 बज गए हैं. अब देखो डिफरेंस कितना है, चाहे वो आप आधे घंटे पहले की बात कर रहे हो, चाहे आप 1 घंटे पहले की बात कर रहे हो. अगर जो टाइम बीत गया है तो उसके लिए आप पास्ट फॉर्म का ही यूज करोगे, चाहे वो 10 मिनट पहले की बात हो, चाहे वो 15 मिनट पहले की बात हो. तो अब तो 8 बज गई है, लेकिन मेरी सिस्टर क्या है, 7 बजे ही स्कूल के लिए चली गई, तो क्या आएगा, वेंट. नंबर 5 देखिए, यस्टरडे कपिल डैश टू प्ले आउटसाइड. यस्टरडे मीन्स होता है कल, पास्ट की बात आ गई. कल कपिल बाहर खेलना चाहता था, वांट होता है चाहना, बाहर खेलना चाहता था, तो कल की बात कर रहा है तो पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वांटेड. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि जो भी बात बीत जाती है उसके लिए हम पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में आपको रिमिंग वर्ड्स दिए गए हैं. ये जो वर्ड है रिमिंग, आपको मैच करना है, मैच द रिमिंग वर्ड्स, इन रिमिंग वर्ड्स को मैच करना है. लाइट नाइट, से गे, ग्रीन मीन, वे ट्रे, कैच मैच, इस तरह से आप रिमिंग वर्ड्स को मैच करोगे. अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग में आपको ट्रैफिक के कोई भी 5 रूल बताने हैं. मैंने आपको 5 रूल यहाँ दिए हैं, अगर आपको और भी रूल कुछ पता है तो आप लिख सकते हो. डोंट रन ऑन द रोड, सड़क पर मत भागो, क्योंकि देखिए जब आप सड़क पर भागते हो तो कोई व्हीकल आ गया तो आपको चोट लग सकती है या आप गिर सकते हो, इसलिए आपको सड़क पर नहीं भागना चाहिए. क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, और जब आप रोड क्रॉस करते हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से आपको रोड क्रॉस करना चाहिए. आपने देखा है ना, रोड के ऊपर कुछ लाइनें बनी होती है, व्हाइट कलर की पट्टियां बनी होती है, जहां वो पट्टियां बनी होगी तो उसी के ऊपर से ही आपको रोड क्रॉस करना है. थर्ड रूल देखिए, ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट साइड, हमेशा ही अपने लेफ्ट साइड आपको चलना है, रॉन्ग साइड नहीं चलना. नेवर स्टिक हैंड्स आउटसाइड द व्हीकल, और जब भी व्हीकल में आप बैठे हो, बस में बैठे हो, गाड़ी में, वैन में, तो कभी भी अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर, जब भी आप दुपहिया वाहन चलाते हो तो आपको हमेशा ही हेलमेट पहनना चाहिए. ओके, तो ये तो कुछ 5 रूल थे आपको फॉलो करने हैं. आप और भी रूल अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा लेसन नंबर 6 ट्रैफिक लाइट कंप्लीट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आई होप आपको जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल है इनका क्या मतलब है अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ.
और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करो, साथ में बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने का बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।